अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो मौली और उसका दोस्त बिहान है। अब क्या करने आए हुए यहां? अब क्या करें? मुझे राजकुमारी को बताना होगा। गायत्री, मेरा सारा खेल खराब करके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? ऐसा है कि अभी तो तुम्हारा खेल ही खराब हुआ है। अगर मेरी बात नहीं सुनी ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी वो सौतेली बेटी मौली और उसका वो दोस्त बिहान हमारे होटल के कमरे तक आ गया है। क्या बिहान, तुम्हें पक्का यकीन है ना यही कमरा है? हाँ, छोटी माँ के कहने पर मैंने ही बुकिंग करी थी। पर ये लोग दरवाजा काहे नहीं खोल रहे? देखो, कुछ भी करो पर तुम दोनों उनके हाथ नहीं आने चाहिए। कुछ भी करके निकलो वहां से, समझ गई? माँ, अब क्या करें? तो क्या करें? कुछ सोचती हेलो, ऐसा है, मैं रूम नंबर 202 से बोल रही हूँ। अगर 50,000 कमाना चाहते हो अभी तो बस मेरा एक छोटा सा काम करना होगा तुम्हें। माँ, हमें पूरा भरोसा है हमारी दोस्ती पर। इस रिश्ते के लिए केदार कभी मना नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ रिश्ते की बात करने चलिए। माँ जी, वो बिहान और मौली। अरे आपका क्या मुझोसी ने हाथ पार कर दी है माँ जी? ठाकुर साहब, खुद को निर्दोष साबित करने के लिए वो दोनों गायत्री के होटल पहुंच गए हैं और उन्हें डरा धमका कर अपने रिश्ते के बारे में झूठ बुलवाना चाहते हैं। अरे, आप लोग जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो लोग तो अभी अभी पीछे के रास्ते से निकल गए। क्या मतलब? जरूर उन्होंने हमें आते हुए देख लिया होगा। बिहार, चलो चलो, उसी के पहले वो निकल जाए। अरे क्यों चले यहाँ से? मैंने उन्हें दूसरा रास्ता भेज दिया है। यहाँ तो कहीं नहीं है वो, कहीं भाग तो नहीं गए? जरूर उस तरफ गए होंगे। चलो भैया। मौली, मौली, उस मैनेजर को कैसे पता कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं? अब इतनी जोर जोर से दरवाजा पीटेंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि कहाँ आए हैं। नहीं मौली, हम उनसे मिलने भी आ सकते थे, लेकिन उस मैनेजर को कैसे पता कि हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं? अब लगाया ना तुमने अपना कलेक्टिव वाला दिमाग। इसका मतलब वो मसाजर भी उनसे मिला हुआ है। मैनेजर? हाँ। कुछ तो गड़बड़ है, चलो मेरे साथ। अरे पर रुकिए, अगर आप लोग भाग गए तो मेरे पैसे कौन देगा? पहले पैसे दीजिए। ऐसा है कि सबको पैसे की पड़ी है। अरे मान लाओ ये रुपए यहाँ पे, ये लो। अब मुझे उस यहाँ से और मार नहीं खानी है। चलो यहाँ, चलो चलो चलो। जानता था मैं तुम लोग यही होगे। कहे काम से? और गिनो मम्मी पैसे, अंदर आओ जल्दी जल्दी अंदर चलो। तुम तो यहाँ आओ बे। तीनों लोगों से न्यारी है काशी, सबका न्याय करती है। अरे अब क्या चाहिए तुम दोनों को? मदद,
पापा की बेटी बनने में आपकी छोटी सी मदद चाहिए। मदद ना करने पर हम क्या करते हैं, ये तो याद ही होगा आपको। ऐसा है कि बचपन से ही हाथ उठ रहे हमारे ऊपर, इसलिए अब तो को पहले से ही पता चल जाता है कि क्या फेंक रहा है। छोड़ो मुझे, पहले आप पूरी बात समझ लो। सुनिए, बचपन से जिस दोस्त ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया, आज उसी के रिश्ते पर लांछन उठा दिया आपने। इसलिए अब चुपचाप पापा के सामने सब कुछ सच सच बोलेंगी, आप समझी? समझे तुम? समझ गए। सॉल्व, जल्दी करो। अरे माँ, ते छोड़। चलिए माँ जी, आपको बनारस की सैर करवाते हैं। और बनारस से अगर सही सलामत निकलना चाहते हो ना, तो सब कुछ सच सच बड़े बाबूजी के सामने कह देना। सच बता, समझ गए? चलो। उन्हें क्या लगता है कि वो जोर जबरदस्ती करके गायत्री और रोहन को यहाँ ले आएंगे तो हम उनकी बात पे विश्वास कर लेंगे कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है? हम अभी बिहान से पूछते हैं इस बारे में। ठाकुर साहब, जो अपने रिश्ते की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते, उन्हें फोन करके क्या फायदा? मुझे तो लगता है कि मौली की शादी हमें इस गांव से और बिहान से कहीं बहुत दूर कर देनी चाहिए, ताकि बार बार खड़ी होने वाली समस्या जड़ से खत्म हो जाए। बहू ठीक कह रही है बेटा, इन दोनों से जबरदस्ती करने का मतलब है ये दोनों अपने रिश्ते को लेके ईमानदार नहीं हैं। अगर दोनों साथ रहे तो ना जाने कौन से नए गुल खिलाएंगे यहाँ। मेरे लिए सबसे बड़ा पैसा है और साफ दिखता है तुम दोनों की आंखों में प्यार, तो शादी क्यों नहीं कर लेते तुम दोनों? यार तुम्हारी गुस्सा ना किसी दिन हमें ही मार देगा। देवी जी, तुम्हारी ही देन है, ना तुमने वो फोन तोड़ा होता ना हम यहाँ फंसे होते और ना मुझे गुस्सा आता। अरे हाँ ना, क्या लगता सब एक ही बात बार बार कितने बार याद दिलवाओगे? देखो उसके लिए हमने सारी बोला था, ठीक है? हाँ तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ऐसा है, जब राजकुमार की सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई थी तब तुमने फोन क्यों तोड़ा? ये बात हमारी कुछ समझ में नहीं आई। अरे माँ जी, आपको सिर्फ एक लड़का है ना, अगर एक बेटी होती तो आप समझते कि माँ बेटी का रिश्ता कैसा होता है। अगर तुम्हें इतनी फिकर है अपनी सौतेली माँ की, तो उनकी सच्चाई लाने के लिए हमें क्यों घसीट रही हो अपने साथ? वो क्या है कि हमारी दोस्ती के रिश्ते पे दाग लगा है। करूना लगा होता ना तो हम छोटी माँ का नाम किसी के सामने नहीं आने देते। मौली, हम लोग किसी पिकनिक पे नहीं निकले जो तुम अपने दिल की सारी बात हमें बदनाम करने वालों से कर रही हो। सारी वो क्या है ना, भावनाओं में बह गए। देखो हम जितने भोले दिखते है ना उतने खूंखार भी है। चुपचाप बैठो, जितना बोला उतना करो। सीट बेल्ट लगाओ। हाँ कलेक्टर साहब। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।